हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, सिस्को वेक्स के माध्यम से ना ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, तो मैं एक दूसरे मोबाइल के माध्यम से क्या करता हूँ, मैं एक वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो बनाने के बाद अपना जो यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी क्लास प्रमोद यादव, इसमें मैं अपलोड करता हूँ, तो उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। आपको जितना टाइम मिलता है, चाहे 12 बजे हो, चाहे दिन का 12 बजे हो, चाहे रात्रि का 12 बजे हो, आप उसको आसानी से यूट्यूब चैनल को क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरा यूट्यूब चैनल को देखें और अपने मित्रों और अपने दोस्तों को भी दे दें, जो विशेष रूप से इस साल 12वीं क्लास में है बायोलॉजी में, सबको आप लोग दे दें। और उसको कहना चाहिए सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक ना बेल आइकन की घंटी आएगी, उसको आप लोग टच करवा देंगे, उसके बाद मेरा अगला वीडियो आप लोगों को स्वतः मिल जाएगा। मेरे को भी और आपको भी बार बार भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो आपके जितने भी मित्र हैं, विशेष रूप से 12वीं का बायोलॉजी वाले, उन सबको आप लोग मेरा यूट्यूब का जो चैनल है बायोलॉजी क्लास प्रमोद यादव, उसको आप लोग दे देंगे और सब्सक्राइब सभी करवा देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं इतना मेहनत करके जो वीडियो बनाता हूँ, केवल उसको कहने चाहिए 50 बच्चे ही न पढ़े, वो कहने चाहिए अधिक से अधिक बच्चे उसका फायदा मिलना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि अधिकांश चैप्टर को, लगभग मेरा एक यूनिट लगभग समाप्त हो चुका है, अब कहना चाहिए मैं अगला यूनिट को शुरू कर दिया हूँ, सेकंड यूनिट वंश गतिकी और विविधता का सिद्धांत, यह दूसरा यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। तो एक मैं कहना चाहिए पहला पीरियड ले चुका हूं, उसमें आप लोग को मैं बताया था कि कहना चाहिए हेरिडिटी या जेनेटिक्स या फिर इनहेरिटेंस क्या है, इसके बारे में मैं आप लोग को पढ़ाया था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कहना चाहिए जेनेटिक्स क्या है ये तो समझ गए हैं, अनुवांशिकी है क्या चीज उसको आप लोग समझ गए हैं, हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाती है, या फिर अनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, सामान्य रूप से जेनेटिक से बोलते हैं, लेकिन ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में कहना चाहिए निरंतर जाती रहती है, तब इसको हम लोग हेरिडिटी या फिर कहना चाहिए इनहेरिटेंस कहते हैं। तो जेनेटिक्स हमारे लिए क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जेनेटिक्स के आधार पर ही कहना चाहिए जो मानव का चाइल्ड होता है वो मानव जैसे दिखाई देता है, टाइगर का कहना चाहिए आने वाली संतान टाइगर के समान दिखाई देता है, मतलब माता पिता में कुछ न कुछ अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कहना चाहिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे वेरिएशन मतलब विभिन्नता, जेनेटिक्स तो है लेकिन साथ में भी क्या है, वेरिएशन है, कोई भी नया चाइल्ड है, कोई भी नया संतान 100% अपने माता पिता के समान नहीं होता है, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100% समान रहेगा, मान लो क्लोन रहेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान रहेगा, तो अगली पीढ़ी में सभी संतान एक जैसे दिखाई देंगे, वो भी बड़ी दिक्कत हो जाएगा। तो कहना चाहिए प्रकृति में वेरिएशन भी पाई जाती है, तो जेनेटिक्स भी महत्वपूर्ण है, इनहेरिटेंस भी महत्वपूर्ण है, और कहना चाहिए वेरिएशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें वेरिएशन होगा उसी में कहना चाहिए यूलेशन होगा मतलब विकास होगा, यदि विकास नहीं होगा तो वह पीढ़ी आगे चलकर क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। उसके बाद हम लोग आगे अध्ययन करेंगे मेंडल के बारे में, किसके बारे में अध्ययन करेंगे आगे, मेंडल के बारे में, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो मेंडल नामक जो साइंटिस्ट है, ये कहना चाहिए फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं इसको, अनुवांशिकी का जनक, आप लोग याद रखेंगे, अनेक बार कहना चाहिए जो पीएमटी का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, इसमें इसको कई बार पूछा गया है फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो इसको सभी बच्चे कहना चाहिए जान चुके हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो कोई भी व्यक्ति कहना चाहिए आंख मूंद कर बता सकता है कि मेंडल, जी जे मेंडल, लेकिन आजकल क्या पूछता है, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक, मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किस साइंटिस्ट को कहा जाता है, तो याद रखेंगे बेटसन,
बेटसन नामक साइंटिस्ट है, वे कहना चाहिए आधुनिक अनुवांशिकी के जनक है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के बारे में। आप लोग भी जानते होंगे मेंडल कहना चाहिए 19वीं सदी या फिर 1860-1865 के आसपास के कहना चाहिए बायोलॉजी के और अनुवांशिकी के सबसे बड़े क्या थे, वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो मेंडल का लाइफ हिस्ट्री आप लोग पुस्तक में दिया गया है, उसको थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे, इसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप लोग को मैं बताता हूँ, मेंडल कहना चाहिए ऑस्ट्रिया नामक देश के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया देश में एक छोटे से गांव है सिलिसिया। सिलिसिया में कहना चाहिए 1822 में इसका जन्म हुआ था। और ये कृषक परिवार से थे, ये गरीब परिवार से थे, लेकिन कहना चाहिए ये पढ़ने में बहुत ही होशियार थे, मेधावी छात्र थे। इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ऑस्ट्रिया के यूना नामक यूनिवर्सिटी में कहना चाहिए अपना प्रवेश लिया था। और ऑस्ट्रिया के यूना यूनिवर्सिटी में कहना चाहिए इन्होंने अपना अध्ययन किए थे। और अध्ययन करने के बाद ये कहना चाहिए एक छोटे से चर्च, छोटे से मठ, जिसको कहना चाहिए मोनेस्ट्री कहा जाता है, वही कहना चाहिए मोनेस्ट्री में ये एक छोटे से पद पर थे। हालांकि पद बहुत बड़ा था, वो प्राध्यापक नाम था, लेकिन उसका जो मठ था, चर्च था मोनेस्ट्री में, वो छोटा था। ठीक है, तो ये कहना चाहिए प्रोफेसर के पद पर वहां पर रहे हैं। और लगभग कहना चाहिए चर्च में बहुत सारे कहना चाहिए वहां पर मटर के पौधे थे। तो उस चर्च में, उस मठ में रहते हुए, अपने प्रोफेसर के पद पर रहते हुए इन्होंने 14 साल में 10,000 पौधों पर प्रयोग किए थे। 14 साल में 10,000 पौधों पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। इसको भी कई बार पूछा जाता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल रूप से जानते हैं कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, तो मटर नामक पौधे पर किया था। ठीक है, इतना तो सबको याद है, लेकिन कई बार पूछा जाता है मेंडल ने मटर के किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसको जानेंगे गार्डन पी मतलब उद्यान में पाए जाने वाले मटर में अपना प्रयोग किए थे। इनका बोटनिकल नाम होता है पाइसम सेटाइवम। इसका बोटनिकल नाम होता है पाइसम सेटाइवम और कॉमन रूप से कहा जाता है गार्डन पी मतलब उद्यान मटर। मतलब उद्यान में कहने की जो चर्च थे वहीं पर कहने की मटर के पौधे थे, उसी में कहने की इन्होंने 14 साल में 10,000 पौधों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने अपना जो कहने की जो रिसर्च पत्र था, अपना जो शोध पत्र था, अपने शोध पत्र को कहना चाहिए 1865 में प्रकाशित किया था। और इसका शोध पत्र जो प्रकाशित करने वाले जो संस्था थे वो भी छोटी संस्था थे, तो ये ज्यादा कहने की उस समय पॉपुलर नहीं हो पाए। समझ में आ रहा है ना, 1865 में जब ये अपना शोध पत्र प्रकाशित किए तो किस नाम से प्रकाशित किया था, उसको याद रख लेंगे, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से कहना चाहिए अपना बुक या फिर शोध पत्र कहना चाहिए प्रकाशित किए थे। 1865 में तो प्रकाशित किए, लेकिन ये पॉपुलर नहीं हुए। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल अपना प्रयोग किए, रिसर्च प्रस्तुत किए, लेकिन कोई इसको ध्यान नहीं दिए। तो कोई ध्यान क्यों नहीं दिए, उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। क्या कारण था, उसका मुख्य कारण यह था कि उस समय कहना चाहिए एक और बहुत ही वैज्ञानिक प्रसिद्ध थे, उस वैज्ञानिक का नाम है डार्विन। डार्विन कहना चाहिए विश्व के सबसे बड़े और सेकंड कहना चाहिए, पहले लेमार्क आए फिर उसके बाद डार्विन आए। तो विश्व के सबसे बड़े क्या माने जाते हैं इसको, प्रकृतिवादी वैज्ञानिक। तो डार्विन और उसका सहयोगी वैलेस नामक एक साइंटिस्ट था, वो उसका कहना चाहिए सहयोगी था। इन दोनों ने मिलकर 1859 में एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज।
बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होना। हम लोग को ही पता है प्रकृति के कहने से हमारे ऊपर बहुत बड़ी देन है, जो नई जातियों की उत्पत्ति होती है। वास्तव में नई जाति उत्पत्ति होने के मुख्य कारण किसको माना गया है? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद। आप लोग एक शब्द सुने होंगे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जो कहना चाहिए अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूलन नहीं कर सकता, वो आगे चलकर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उदाहरण डायनासोर को लिया गया है, वो बहुत बड़े कहना चाहिए एनिमल थे, बहुत बड़े रेप्टेलिया थे, ठीक है। उसका शरीर का आकार इतना बड़ा था वो स्वयं नहीं देख पाता था, लेकिन बदलते मौसम में अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूलन नहीं कर पाए, जिसके कारण उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अभी वर्तमान में कहना चाहिए कोरोना नामक कहना चाहिए एक वैश्विक महामारी बीमारी आ गया है, तो इसमें भी हम लोग देखते हैं सभी लोगों की इसमें मृत्यु नहीं हो रही है। उन्हीं लोगों की मृत्यु होती है जो अपने शरीर को वातावरण के प्रति अनुकूलन नहीं कर पा रहा है, मतलब उनके शरीर में कुछ न कुछ डिसीज है, कुछ न कुछ क्या है? डिसीज है, जिसके कारण उसका इम्यून सिस्टम क्या हो गया है? कमजोर हो गया है, मतलब वो अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो कहना चाहिए डार्विन का सिद्धांत आया था, याद रखेंगे, 1859 में, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नई जातियों द्वारा नई जाति, प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति। तो ये इतना पॉपुलर था उस समय कि कहा जाता है बाइबिल के बाद, बाइबिल कहना चाहिए एक ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, बाइबिल के बाद कहना चाहिए सेकंड सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला या सेकंड सबसे अधिक चर्चित बुक रहा है। तो इस कारण कहना चाहिए मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन दिया 1865 में, तो उसको कोई नहीं जान पाए, क्योंकि उसके सामने भी एक बड़ा सा सिद्धांत आ गया था। क्लियर? ये कहना चाहिए मेंडल का लाइफ हिस्ट्री है, इतना ही दिया गया है, ज्यादा अध्ययन इसका लाइफ हिस्ट्री के बारे में नहीं दिया गया है। क्लियर? इसको भी देख लेंगे आप लोग, मेंडल का लाइफ साइकिल, कब जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कहाँ पढ़े थे, किस पर प्रयोग किए थे, कितना दिन वहां पर चर्च में रहे थे, कितने पौधों पर एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद कहना चाहिए उन्होंने क्या अपना शोध पत्र प्रकाशित किए थे, कब प्रकाशित किए थे, डार्विन का सिद्धांत कब आया था, ये सबको देख लेंगे। क्लियर? ठीक है जी, आप लोग यश नो कुछ भी बोला करें आप लोग, ठीक है, आगे बढ़े। आगे है उसके बाद मेंडल का कहना चाहिए जो कार्य था उनकी पुनः खोज होती है, पुनः क्या होती है? खोज होती है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, मतलब मेंडल ने अपना कार्य तो कर दिया, मेंडल ने अपना कार्य कर दिया, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हुआ, तो कहना चाहिए उसकी पुनः खोज होती है। तो पुनः खोज कब होता है? जैसे कि मेंडल के कार्यों का पुनः खोज, मेंडल 1865 में कहना चाहिए अपना नियम दे दिए, मेंडल 1865 में उन्होंने तो अपना सिद्धांत दे दिया, लेकिन कहना चाहिए वो अज्ञातवास में चले गए, ठीक है। तो बाद में कहना चाहिए 1900 के आसपास, बाद में कहना चाहिए 1900 के आसपास तीन वैज्ञानिक आए, तीनों वैज्ञानिक को नाम आप लोग याद रख लेंगे। पहला वैज्ञानिक है ह्यूगो डी, हॉलैंड के वैज्ञानिक है ह्यूगो डी ब्रिज, सेकंड वैज्ञानिक है कोरेंस, और तीसरा वैज्ञानिक है सेरमाप। ह्यूगो डी ब्रिज, कोरेंस, सेरमाप, ये तीन वैज्ञानिक है 1900 के आसपास, और तीनों वैज्ञानिकों ने आकर पौधों में पुनः अपना प्रयोग किए, और अपना प्रयोग करने के बाद इन्होंने संयुक्त रूप से बताया कि हम जो प्रयोग किए और जो हमको आंकड़ा मिला, ये आंकड़ा को तो मेंडल ने पहले ही बता दिया है, हम अभी जो प्रयोग किए, रिसर्च किए, ये सब कहना चाहिए आज से 35 साल पहले
40 साल पहले किसने कर दिया था? मेंडल ने कर दिया था। तो इस प्रकार से कहना चाहिए मेंडल की कार्यों का पुनः खोज कौन सा साइंटिस्ट करते हैं? ह्यूगो डी ब्रिज, कोरेंस और शेरमान, तीनों वैज्ञानिकों का नाम याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है जी। इन वैज्ञानिकों के कारण मेंडल अचानक से फिर मतलब अपने मरने के बाद पॉपुलर हुए, अपने कहना चाहिए जीते जी उन्होंने पॉपुलर नहीं हुए क्योंकि उसके कार्यों को कोई नहीं जान पाया, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने उसको पुनः बाद में क्या कर दिए? पॉपुलर कर दिए, क्योंकि बता दिए भाई हम जो प्रयोग किए और जो आंकड़ा आए ये आंकड़ा तो पहले ही कहना चाहिए मेंडल ने प्रस्तुत कर दिया है। तो इस प्रकार से कहना चाहिए रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क मतलब मेंडल के कार्यों का पुनः खोज, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण हेतु मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया गया? संकरण हेतु मटर के पौधे का ही कहना चाहिए उन्होंने चयन क्यों किया था, दूसरे पौधे को क्यों चयन नहीं किए? ये भी एक बड़ी बात है, कहना चाहिए प्रकृति में हजारों पौधे की जातियां हैं, हजारों पौधे की जातियां हैं, लेकिन मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, मटर के पौधे को ही क्यों चुना, उसका कहना चाहिए। आप लोगों को मैं तीन चार पॉइंट बताता हूं, ज्यादा नहीं बताता हूं, हालांकि पॉइंट कहना चाहिए 7-8 पॉइंट है। तो मेंडल ने कहना चाहिए मटर के पौधे को ही चयन क्यों किया था, इसका मैं कहने की 3-4 पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट है मटर का पौधा क्या होता है? एक वर्षी मतलब एनुअल, मटर का पौधा क्या होता है? एक वर्षी मतलब एक वर्ष जीवित रहता है, तो एक वर्ष जीवित है तो इनके हम लोग कई पीढ़ियों का क्या कर सकते हैं? आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। इनका जीवन चक्र क्या है? बहुत छोटा है। कोई व्यक्ति 20 साल में मटर के कहना चाहिए 20 पीढ़ियों का अध्ययन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति कहना चाहिए आम के पौधे का चयन करता है तो आम का पौधा तो स्वयं कहना चाहिए मान लो 200 साल जीवित रहता है, और व्यक्ति स्वयं कहना चाहिए 60-70 साल तक जीवित रहता है, तो केवल एक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं, क्लियर। तो मटर को क्यों चुना था? क्योंकि मटर का पौधा क्या होता है? एक वर्षी होने के कारण कहना चाहिए इनका जीवन चक्र क्या होता है? बहुत छोटा होता है। हम लोग 14 साल में 14 इनके पीढ़ियों का क्या कर सकते हैं? हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें कहना चाहिए जो हाइब्रिडाइजेशन है तो क्रॉस पोलिनेशन आसानी से कराया जा सकता है। क्रॉस पोलिनेशन समझते हो आप लोग? क्रॉस पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन मतलब होता है परागण, मतलब पौधे में होता है, ये जंतु में नहीं होता है। पौधों का कहना चाहिए जो नर पौधा होता है उनका नर युग्मक क्या है? कोई बता सकता है जी नर युग्मक क्या है? नर पौधे का कहना चाहिए जो नर युग्मक होता है, पौधे के नर युग्मक का नाम किसी को पता है? पोलेन ग्रेन पराग कण। तो पराग कण का मादा युग्मक के पास पहुंचना, पौधे में मादा युग्मक का नाम क्या है? मानव में आपको पता है कि नहीं है? आप लोगों को मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया था नर युग्मक का नाम क्या होता है? स्पर्म। और फीमेल में मादा युग्मक का नाम क्या होता है? ओहम। तो उसी प्रकार से पौधे में कहना चाहिए नर युग्मक को क्या कहा जाता है? पोलेन ग्रेन। और मादा पौधे में कहना चाहिए मादा युग्मक को क्या कहा गया है? ओहम। तो पौधे का नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचना क्या कहलाता है? पोलिनेशन।
लेकिन पोलिनेशन दो प्रकार का होता है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन किसको बोलेंगे? मान लो एक पौधा है, ये मान लो क्या है, एक पौधा है, ठीक है। इस पौधे में कहना चाहिए हजारों की संख्या में फ्लावर है। मान लो ये आम का एक पौधा है, कोई भी पौधा है, इसमें कहना चाहिए लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में क्या है, फ्लावर है। तो इसी पौधे का नर और इसी पौधे का मादा, चाहे कोई भी फ्लावर हो, लाखों पौधे में, लाखों फ्लावर में, इसी पौधे का नर युग्मक, इसी पौधे का मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तब इसको बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन, स्वयं परागण, क्लियर। और क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होता है, मान लो ये अलग पौधा है और ये क्या है, अलग पौधा है, दोनों आम हो सकता है, दोनों नीम हो सकता है, या फिर आम या नीम हो सकता है, मतलब समान प्रजाति हो सकता है और असमान प्रजाति भी हो सकता है। तो इसका नर इसका मादा, या इसका नर इसका मादा, कुल मिलाकर दो अलग अलग पौधे का युग्मक का आपस में मिलना क्या कहलाता है, क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। तो मटर के पौधे में कहना चाहिए हम लोग क्रॉस पोलिनेशन आसानी से करा सकते हैं। यदि पौधा कहना चाहिए दुलिंगी है, मटर का पौधा क्या है, दुलिंगी है मान लो, तो उसमें से हम लोग नर युग्मक को, मतलब स्टेमेन को आसानी से हम लोग हटा सकते हैं। वो कैंसर को हटाना कहना चाहिए हिंदी में विपुंसन कहलाता है और इंग्लिश में इमेस्कुलेशन कहलाता है। पिछले साल कहना चाहिए तिमाही या छमाही में क्वेश्चन आया था एक या दो नंबर का, विपुंसन क्या है, या शायद बोर्ड में आया था एक दो साल पहले, इमेस्कुलेशन या विपुंसन क्या है। विपुंसन मतलब कैंसर को हटाना, जैसे कि मान लो पौधा क्या है, दुलिंगी है, दुलिंगी मतलब उसमें पुकेंसर भी है और कार्पेल भी है, स्टेमेन मतलब नर और हिंदी में बोलेंगे स्टेमेन को पुकेंसर। तो पुकेंसर को निकाल देना उस फ्लावर से, उस फ्लावर से नर युग्मक को क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल देते हैं, बाहर कर देंगे, तब इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विपुंसन, इमेस्कुलेशन, क्लियर। उसके बाद चयन के कहना चाहिए एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, इसको आप लोग याद रख लेंगे, मटर के पौधे में मेंडल ने जो 7 करेक्टर चुने थे, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने करेक्टर, कितने लक्षण चयन किए थे, 7। उनमें से 7 करेक्टर एक दूसरे की क्या होती है, विपर्यायी होते हैं। 7 करेक्टर क्या होते हैं, विपर्यायी होते हैं। विपर्याय मतलब समझते हैं आप लोग, पर्यायवाची जानते हैं हिंदी में, पर्यायवाची किसको कहते हैं हिंदी में, जैसे कि पानी, पानी को जैसे कि जल, नीर, अंबु, जो भी, ठीक है। तो कहने चाहिए पर्यायवाची है। तो उसी प्रकार से मटर के पौधे में जो 7